बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद एक तरफ एनडीए में बीजेपी की जीत की हिस्सेदारी बढ़ी तो नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और कहा है कि अगली सरकार की अगुवाई भी नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है, बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती है, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है, ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है, ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी।